सभी दीदी भैया को नमस्ते। रीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मत भूलिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखना। आप सबको अच्छा। दोस्तों हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, देख लीजिए किस तरह यहाँ पर बरस रहा है पानी। उनके बाद बरसा हुआ है, वहाँ पर हमारा चूल्हा भीग रहा है, मैं उसको बोरे से ढक दी हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर लिपाई कर चुकी हूँ, वहाँ पर लकड़ी रखी हूँ, हरा मिर्चा काटी हूँ, यहाँ पर प्याज लहसुन और ये चना है, यहाँ पर रख देती हूँ। चलती हूँ मैं, सुबह का नाश्ता बनाती हूँ। और ये दोस्तों जरकुस है, इस चाय में डालूंगी, यहाँ पर रख देते हैं थाली में। मैं भगोने में लेप लगा चुकी हूँ, कढ़ाई में लेप लगा दी हूँ, चूल्हा हमारा जल गया है, चूल्हे पे भगोना रख देती हूँ, इस साइड कढ़ाई को रख देती हूँ। मैं भगोने में पानी डाल देती हूँ, चाय पत्ती डाल देती हूँ। मैं पॉलीथीन में चीनी रखी हूँ, इसमें दोस्तों बताता रखी हूँ, हमारे भाई का शादी था, मम्मी हमारी दी थी, तो मैं चाय का तो मैं इसमें डिब्बे में रखी हूँ। यहाँ पर चीनी ली हूँ, मैं बसाते का चाय नहीं बनाऊंगी, आप सबको चीनी का चाय बनाकर दिखाऊंगी। मैं चीनी डाल देती हूँ, इसको डिब्बे में रख देती हूँ, इसी तरीके से मैं रखती हूँ। देख लीजिए दोस्तों ये जरकुस है, मैं बहुत अच्छा से चाय बनता है, जरकुस को डाल दी हूँ चाय में, लगा देती हूँ। कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ, सरसों का तेल डाल देती हूँ। तड़का इस साइड हमारा तड़का जल रहा है, इस साइड में चाय बना रही हूँ, दो चूल्हे पे बना रही हूँ। मैं तड़का हमारा जल गया है, देख लीजिए किस तरह तड़का हमारा जल गया है। मैं इसमें चना डाल देती हूँ, अच्छी तरीके से चला देती हूँ, पलटे की सहायता से। चूल्हे पे नाश्ता बनाओ बहुत अच्छा लगता है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, चूल्हा हमारा बुझ जाता है, इसको मैं चला देती हूँ, चला रही हूँ अच्छी तरीके से, नमक इसमें मिल जाए। हमारा पक रहा है, यहाँ पर वीडियो अंधेरा आता होगा। दोस्तों हमारे पास दूध नहीं था, मैं जब बनाती हूँ इसी तरीके से काली चाय, हमारे यहाँ पर काली चाय बोलते हैं इसको, मैं काली चाय बना रही हूँ। देख लीजिए इसमें जरकुस डाली हूँ, इसमें अच्छी तरीके से महक रहा है चाय, आप सब पिए होंगे तो जरूर जानते होंगे। चाय हमारा पक गया है, मैं इसको नीचे उतार देती हूँ, यहाँ पर रख देते हैं, इसको ढक देती हूँ। चना किस तरह बन रहा है, मैं इसको भी और पकाएंगे, इसको चला देती हूँ कि ताकि हमारा चना जले ना। गैस होता तो दोस्तों इसको धीमे कर देते, चूल्हे पे जलने लगता है, इसलिए मैं इसको चलाते रहती हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए और ढक देती हूँ। दोस्तों हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है, आप सब प्लीज हमारे चैनल पे जो नए होंगे चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज आप सब से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप सब जानते हैं, वीडियो हमारा देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दादी भी हमारी बीमार है, कितना मैं परेशानी में रहती हूँ।
दोस्तों हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना। जितना हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, आप सब बहुत खुश रहें। रानी से ही प्रार्थना करती हूँ, आप जहाँ रहें आप सब बहुत खुशहाल रहें, आपका जीवन बहुत खुशियों से भरा। दोस्तों हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है, मैं इसको कढ़ाई को नीचे रख देती हूँ। मैं ढक्कन को निकाल लेती हूँ। देख लीजिए हमारा नाश्ता किस तरह बना हुआ है, आप सबको थाली में निकाल कर दिखाती हूँ। मैं कढ़ाई को इस साइड रख देती हूँ। मैं चाय को लोटे में छान लेती हूँ। ये चाय छन्नी है, मैं छान रही हूँ। इसमें पहले छान लेती हूँ, तभी गिलास में ले जाकर मैं वहां पर सब लोग को पिलाऊंगी। चाय को मैं निकाल कर आप सबको दिखाती हूँ। इसमें चाय में मिल गया है, इसका चाय बहुत अच्छा लगता है पीने में। मैं इस साइड रख देती हूँ। इसको मांजना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत लगता है मांजने में। यहाँ पर चना किस तरह बना हुआ है और यहाँ पर चाय है, आप सब प्लीज चाय आकर पी लीजिए। मैं बहुत अच्छा से नाश्ता सुबह का बनाई हूँ। ये तो खाना बनाना है और मैं आप सबको पूरा वीडियो दिखाऊंगी तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही नाश्ता सुबह का नाश्ता ही दिखा पा रहे हैं, इसके लिए माफी चाहती हूँ आप सबसे। मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम अंश है, एक का नाम प्रियांश है। एक 4 साल का हो गया है और एक 8 महीने का हो गया है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।